मोदी सरकार ने किया है देश में बैड बैंक बनाने का ऐलान। सुनकर कुछ अजीब लग रहा है ना? बैड बैंक क्यों? बैंक अगर बैड होगा तो देश कैसे राइट होगा? लेकिन साहब, ये बैड बैंक असल में देश की अर्थव्यवस्था को राइट बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं पीएम मोदी, जो कि देश के एक बड़े आर्थिक सुधारों में से एक होगा। मोदी सरकार ने देश में बैड बैंक बनाने का ऐलान कर दिया है। यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से जारी सिक्योरिटी रिसिट के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। सिक्योरिटी रिसिट इसलिए दिया जाता है ताकि फाइनेंशियल एसेट पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अधिकार को निर्विवाद मान्यता मिल जाए। अब समझिए कि NARCL यानी बैड बैंक का काम क्या होगा। बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कम कीमत पर एसेट को खरीदती है और ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाती है। उदाहरण के लिए, जैसे पुरानी कार खरीदने वाले उसमें कुछ सुधार कर उसे दोबारा अच्छी कीमत पर बेच देते हैं, अब बैंक अपने NPA को बैड बैंक को बेचेंगे। इसके बाद बैड बैंक इन्हें वसूलने का प्रयास करेगा। बदले में बैंकों को अपने NPA का कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ बैड बैंक अपनी वसूली प्रक्रिया चलाता रहेगा। इस बैड बैंक में 51% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की होगी, यानी बैड बैंक को होने वाले फायदे से सरकारी बैंकों को भी लाभ मिलेगा। बीते कई सालों से विभिन्न बैंक अपने NPA की वसूली से जूझ रहे हैं और अपने उधार देने के कारोबार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इससे उनकी ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। बैड बैंक बनने से उनकी व्यवस्था में सुधार आएगा, साथ ही भविष्य में NPA और बढ़ने का खतरा भी कम हो जाएगा। वैसे तो बैड बैंक का ज्यादातर संबंध बैंकों और उनके हिस्सेदारों से है, न कि आम जमाकर्ताओं से। लेकिन फिर भी एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम सभी के लिए अच्छा होता है, तो आम जमाकर्ताओं में भी बैंक के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यानी ये बैड बैंक असल में बैंकिंग सिस्टम के लिए गुड साबित होगा। बैंकों के रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल हल होगी, तो अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए भी ये बैंक भी गुड न्यूज लेकर ही आएंगे।